आप श्री मुकेश अग्निहोत्री जी माननीय मुख्यमंत्री भारत के संविधान के अनुच्छेद 2013 और सब क्लॉज 1 के परंतुक के अंतर्गत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 15/2/2023 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश 2023 का अध्यादेश संख्या 2 की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश के पब्लिकेशन आवश्यक हुआ है, हिंदी अंग्रेजी पाठ सब पटल पर रखेंगे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 213(1) के प्रंतुक के अंतर्गत राज्यपाल हिमाचल प्रदेश द्वारा दिनांक 15/2/2023 को प्रख्यापित हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर अध्यादेश 2023 का अध्यादेश संख्या 2 की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, हिंदी अंग्रेजी पाठ सहित सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय हर्षवर्धन चौहान जी, चंद्र कुमार जी को उठाइए जरा। विधायक कार्य, सरकारी विधायक की पुनर्स्थापना। अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 5 पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से ये जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर का जो है कानून विधानसभा में हम लेके आए हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सुबह से ही ये बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश पे 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और हमारी वित्तीय बाध्यताओं को देखते हुए हमने दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए ये कानून हम विधानसभा में लेके आए हैं। राज्य की जो नदियां हैं और जो सहायक नदियां हैं, जो उसमें पानी बह रहा है, वो एक लाभप्रद स्रोत हो सकता है, उससे इनकम जनरेट की जा सकती है। और हमारे पड़ोसी राज्य उत्तराखंड ने और जम्मू कश्मीर ने जल विद्युत उत्पादन पर ऐसा कर लगा रखा है, दूसरे राज्यों में लगा हुआ है, लोग अदालतों में भी गए और अदालतों ने सरकारों का पक्ष सही माना है। इसको देखते हुए वर्तमान में राज्य में 10,999 मेगावाट की स्थापित क्षमता वाली 172 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। इन पे हम टैक्स प्रस्तावित कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल पे कर्जा बहुत है और टैक्स बेस हमारा बिल्कुल नगण्य है। तो ऐसी स्थिति में राज्य में गंभीर वित्तीय बाध्यताओं को निपटाने के लिए हम वित्तीय संसाधन अर्जित करने जा रहे हैं और इससे लगभग 4,000 करोड़ के आसपास जो है आय का प्रस्ताव हम विधानसभा के समक्ष लेके आए हैं। ऐसे में अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश जल विद्युत उत्पादन पर जल उपकर विधेयक 2023 का विधेयक संख्या 5 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, ये जो कानून लेके आए हैं, मैं आपकी सूचना के लिए रात को 2:08 पे मैंने इसको साइन किया है। ये सरकार कितनी मेहनत से काम कर रही है, मैं अपने अधिकारियों को, कर्मचारियों को इसके लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरी मेहनत से जो है इसमें काम किया और इसको विधानसभा में आपके समक्ष लेके आए। धन्यवाद।